मॉर्निंग गाइस। तो अभी फ़िलहाल बाइक में कुछ काम है। राजस्थान राइड के बाद एक दो इशू आए मेरे सामने, इतने मेजर इशू नहीं है बट मेजर भी हैं क्योंकि बाइक की ब्रेक का सवाल है। बाइक की अगर ब्रेकिंग अच्छी नहीं होगी, मतलब कि ब्रेक अगर लगेगा ही नहीं, जाम हो गया तो आप क्या करोगे? तो ऐसे में कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। और आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आई कहाँ से, मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करा। तो अभी मैं आया हूँ बजाज के सर्विस सेंटर पर। सर्विस सेंटर और शोरूम दोनों है, ये तकरोई में इंदिरा नगर में। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है इसको निकाल के सही करा जाएगा। अभी पूरा ब्रेक पैडल है, ये जाम हो जा रहा है। यहाँ पर एक लॉक होता है ब्रेक पैडल के पास, निकल गया है। तो इसका ब्रेक जो होता है ये थोड़ा सा जाम हो रहा है, प्रॉब्लम ये थी। और स्प्रिंग निकल जा रही थी जिसकी वजह से। और यहाँ पर ब्रेक पैडल का एक यहाँ पर वो होता है, वॉशर होता है, वो निकल गया था जिसकी वजह से ये बाहर आ रहा है, स्प्रिंग लूज़ हो रही है और ये एज इट इज़ जाम हो जा रहा है। तो ये सही करवाना है और यही अभी मैं बजाज के शोरूम में आया हूँ। तो ये वाला जो ये जो लीवर है ब्रेक पेडल का, यहाँ पर एक वॉशर लगता है, वो वॉशर निकल गया है। तो मैंने अभी इसको, जब मैं आ रहा था तो मैंने इसको एक वायर लगा कर यहाँ पर ऐसे लेकर आया हूँ ताकि जो है ब्रेक जाम ना हो और पैडल इधर उधर ना हो। तो इस चीज़ को भी सही करवा के यहाँ से निकलते हैं। और तालिफ लगा हुआ है, सही कर रहा है प्रॉब्लम को। तो बताया कि इसमें एक लॉक होता है, वो लॉक लगवाना है और उसके बाद जो है वो ब्रेक पैडल जो है अपनी जगह स्टेबल रहेगा। राजस्थान राइड के बाद वो लॉक निकल गया था। तो आप अपनी बाइक का हमेशा चेकअप करिए जब भी राइड पर जाएं, लंबी राइड पर, और राइड से आने के बाद कुछ ना कुछ माइनर प्रॉब्लम आ जाती है बाइक में, तो उसको हमेशा चेक करते रहा करें। अपडेट आप इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो करो, लिंक नीचे आ रहा है। और मैं एक्चुअली ये छोटा सा बजाज का शोरूम है, तो मेरे पीछे लगी बजाज पल्सर 150 सीसी 83,000 की है ऑन रोड, बढ़िया गाड़ी। चलो चलते हैं।